हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एपीओ का नोटिफिकेशन जो रिसेंट में आया 3 अगस्त 2021 को। इस वीडियो में हम सारी डिटेल समझेंगे, जानेंगे कि क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कितनी वैकेंसी होंगी, सब कुछ जो भी नोटिफिकेशन में कंटेंट है सब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे एंड एंड में कुछ टिप्स देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट्स मिस ना हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। चलिए डिस्कस करते हैं उत्तराखंड का एपीओ का नोटिफिकेशन। राइट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसकी डेट है 3 अगस्त 2021 में रिलीज़ हुआ है। मतलब अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ही ऑनलाइन रहेगा जो स्टार्ट हो गया अपना 3 अगस्त 2021 से और जिसकी लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021। फीस की भी लास्ट डेट है 23 अगस्त 2021। जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा एंड यूट्यूब चैनल पर तो हमने डाला ही है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी रहेंगी। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें टोटल 63 पोस्ट हैं जिसमें जनरल कैटेगरी की 31 है, बाकी उत्तराखंड के लिए आप देख सकते हैं 13 है एंड जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप देख सकते हैं। जनरल की 31 है, राइट। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करनी है, पे स्केल इसमें देख लीजिए लेवल 7 का है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब अच्छी सैलरी रहेगी। जो कुछ प्रेफरेंसेस दे रखे हैं वो आप देख सकते हैं एंड अब बात करते हैं एज की, मिनिमम एज इसमें क्या रहेगी एंड मैक्सिमम एज इसमें क्या रहेगी, जो लोगों का बहुत सवाल रहता है। तो क्लियरली मेंशन है कि 21 इज़ द मिनिमम एज, 42 इज़ द मैक्सिमम एज एंड ये जो है वो 1 जुलाई 2021 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए एंड ये सब आप देख सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखा है वो आप साइट पर जाके देख सकते हैं। साइट है ये ukpsc.gov.in, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अब हमें बात करनी है अपने, ये सब आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब आएगी। हाँ जी, हाउ टू अप्लाई ये पूरा क्लियरली इसमें दे रखा है, वो आप इसे पढ़ लीजिएगा 16 पॉइंट को, राइट। नोटिफिकेशन में दे रखा है, साइट पर भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सब पूरा अप्लाई करने का प्रोसीजर दे रखा है एंड पूरा मार्क करके दे रखा है। तो ऐसे ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी फीस के बारे में, राइट। तो फीस का बहुत लोग मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। तो फीस इसमें रहेगी अनारक्षित के लिए 150 प्लस टैक्स, जो टोटल फीस रहेगी 176.55 एंड उत्तराखंड के अगर आप हैं तो आप इन सब कैटेगरीज को देख सकते हैं, राइट। 176 जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी ये, राइट। अब हम जान लेते हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो अनलाइक अदर एग्ज़ाम्स इसमें भी तीन ही स्टेजेस होंगी, राइट, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। अब इसका पैटर्न समझ लेते हैं किस तरीके से रहेगा, ठीक है, इंटरव्यू, राइट। अब हमें इसका पैटर्न समझना है, पैटर्न देखिएगा कहाँ दे रखा है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप रीड कर सकते हैं। एंड अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं इसी उत्तराखंड के लिए तो प्रीलिम्स के लिए भी हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन लॉ एंड जीएस, राइट। हाँ जी, अब हम बात करते हैं अपने सेंटर्स की, राइट। तो सेंटर्स देखिएगा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो आप रीड कर लीजिएगा। सेंटर्स इसमें दे रखे हैं, 6 सेंटर्स आर गिवन, तो आपको इसमें से चूज़ करना है, राइट। एंड इसमें से आपको चूज़ करना है, सेंटर्स आर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून,
श्रीनगर, अल्मोड़ा एंड उधम सिंह नगर, राइट। एंड देन अगर हम बात करें इसकी पैटर्न की, तो देखिएगा यहाँ पर हिंदी में दे रखा है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले होता है प्रिलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो प्रिलिम्स का पैटर्न बेसिकली वही रहेगा, जनरल स्टडीज़ और लॉ दो पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही लॉ में होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 200 टोटल हो गया, डेढ़ डेढ़ घंटे का ये पेपर होगा जिसमें जीएस आएगा एंड लॉ आएगा, राइट। तो प्रिलिम्स में दो पेपर होंगे जिसमें एक लॉ का होगा और एक जीएस का होगा, डेढ़ डेढ़ घंटे का, राइट, तीन घंटे का टोटल एग्ज़ाम हो गया। एंड अब आते हैं मेंस के पैटर्न के बारे में। तो मेंस के पैटर्न के बारे में देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पेपर है जीएस का जिसमें 100 मार्क्स का होगा, तीन घंटे का होगा, 10 इसमें क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ के, जनरल हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, तीन घंटे का होगा, जिसमें 14 क्वेश्चन दे रखे होंगे जो हाई स्कूल लेवल का होगा, राइट। और 35 मार्क्स इसमें लाना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें मिनिमम आपको 35 लाना ज़रूरी है। लॉ पेपर वन की बात करें जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा एंड पुलिस एक्ट भी होगा, वो सब हम लेटर डिस्कस करेंगे, 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, 10 क्वेश्चंस का होगा, इसमें लॉ भी आएगा। पेपर नंबर फोर में जो लॉ का दूसरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे और लॉ का ही होगा। तो इस तरीके से 400 मार्क्स का हमारा हो गया मेंस का एग्ज़ाम, राइट। देन जो 50 मार्क्स का होगा वो हमारा इंटरव्यू होगा, एंड इस तरीके से हमारा हो गया 450 मार्क्स का पूरा पेपर, जिसमें 400 तो मेंस के हो गए और 50 मार्क्स हो गए अपने इंटरव्यू के, राइट। नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे, अब अपना प्रीलिम्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्रीलिम्स का क्या रहेगा सिलेबस। तो क्लियरली दे रखा है, सबसे पहले जीएस का पेपर होगा, जीएस में डेढ़ घंटे का पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, राइट। एंड दो पेपर होंगे, इसमें पूरा सिलेबस दे रखा है जिसमें जनरल साइंस आएगा, करंट इवेंट्स आएगा, नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड का है ये, एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी, राइट, ये सब दो हो गया। फिर रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब, माउंटेन्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एलिमेंट्री नॉलेज आएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी रहेगी, फिर करंट इवेंट्स, बाकी आप सब ये देख सकते हैं क्रॉप्स के बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में, पार्क्स के बारे में। करंट इवेंट्स की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सोशो इकोनॉमिक एंड ये रहेगा सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहेगा वो फ्रीडम मूवमेंट और नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी आएगी जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज सब कुछ कवर होगा, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कल्चर, ट्रेडिशन, रेवेन्यू पुलिस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, राइट। ये सब आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर नंबर टू जो लॉ का रहेगा उसमें आएंगे, पहले मार्क्स दे रखे हैं, 35 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे अपने आईपीसी के, एविडेंस के 25, सीआरपीसी के 25 एंड उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, ये है अपना 15 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे रहेंगे 100 मार्क्स। अब आईपीसी का सिलेबस कैटेगराइज कर रखा है तो देखिएगा, जो आपको खाली यही प्रिपेयर करना है, जनरल एक्सेप्शंस, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन वुमेन, अगेंस्ट वुमेन प्रॉपर्टी एंड अटेम्प्ट, राइट। इंडियन एविडेंस की हम बात करें तो इंडियन एविडेंस का सिलेबस भी स्पेसिफाइड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेलेवेंसी, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। सीआरपीसी का भी क्लियर कट दे रखा है, देख सकते हैं आप, जिसमें बहुत सारा सिलेबस है जो प्रिस्क्राइब्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, अरेस्ट, कंपेल, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, मेंटेनेंस, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ट्रायल्स,
इंक्वायरीज, बेल एंड बॉन्ड, रेफरेंस रिविजन, अपील। उत्तराखंड पुलिस एक्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी कम टू जनरल नॉलेज का जो सिलेबस रहेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल साइंस का सिलेबस दे रखा है, एलिमेंट्री जिसमें डिजीजेस और ये सब आप देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, देन करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सब आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, और नोटिफिकेशन भी। फिर इंडियन पॉलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड कंप्यूटर्स बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए आपको, एंड एप्लीकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा उसमें भी आप सिलेबस देख सकते हैं, क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है ये सब, राइट। इसके अलावा जो इसमें आप ये सब देख लीजिएगा, निबंध आएगा 15 मार्क्स का, 300 वर्ड्स का आपको लिखना है। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांसलेशन जो 7th पॉइंट पे दे रखा है, जो 10 मार्क्स का आएगा अपना, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। एंड देन उसमें दे रखा है क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड विद पुलिस एक्ट, राइट। तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि क्या इसमें दे रखा है। इसमें बेसिकली जैसे आपको पहले बताया था, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। और जो 9 क्वेश्चंस होंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे, जो 20 मार्क्स ईच के होंगे, जिसमें से आपको पूरे पेपर में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान से समझना है, इसको रीड कर लीजिएगा, एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है वो आप रीड कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सिलेबस फिर से IPC का वही रहेगा, मेंस वाला ही, जो प्रीलिम्स वाला ही है वही सब रहेगा। एंड वो आप देख लीजिएगा, एविडेंस में भी वही सब पैटर्न है कि एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, एंड 3 पार्ट्स में उससे डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको 5 करने हैं, 20 मार्क्स ईच होगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट में रेलिवेंस ऑफ द फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, राइट। उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट 50 मार्क्स का, एंड ये सब हमने आपको बता दिया, ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, राइट। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया पूरा। अगर आपको इसमें से हमारा कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं, एंड अगर आप इसी स्टेट के रिलेटेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी और स्टेट से रिलेटेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एनी पर्टिकुलर स्टेट और सब्जेक्ट, सो यू मे ज्वाइन बाय टेकिंग द क्वेरी ऑन YouTube। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं। एंड बैचेस जो हैं वो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस, एंड पूरा क्लैरिटी आपको मेंटेन की जाएगी, एंड सब कुछ आपको समझाया जाएगा, याद भी कराया जाएगा, ठीक है। तो कम टाइम में आप अगर बैच ज्वाइन कर सफलता पा सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं कुछ नए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियोस और देखते रहिए, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें गेन करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, एंड शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एंड आपको जुडिशियल रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ एडवोकेट दृष्टि साइनिंग ऑफ।